सलामैकम एवरीवान वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब यहाँ से हम लोग जॉर्जिया के एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे और हम फाइनली जॉर्जिया पहुँच चुके हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि मैं कब से यहाँ आना चाह रही थी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट ज़रूर करें अगर आपको मेरे ट्रैवल ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखा करें हम लोगों ने जो कार हायर की थी वो लोग हमारा वेट कर रहे थे एयरपोर्ट के बाहर बस आ, हम लोग अपनी कार की तरफ ही जा रहे हैं यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अपनी कार के पास और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए थे कार को देख के उन्हें बहुत अच्छी लगी थी और हमने कार सीट भी इन्हीं से कहा था कि हमें अरेंज कर दें क्योंकि राफ़े के लिए कार सीट बहुत ज़रूरी है उसको आगे नहीं बैठा सकते तो बस यहाँ पर ना ये कार सीट ही फिक्स कर रहे थे और जवाब पीछे सामान रख रहे थे सामान बहुत ज़्यादा नहीं था हमारे पास एक बड़ा बैग था और एक हैंड कैरी था बस अभी राफ़े की कार सीट फिक्स होने लगी है फिर हम लोग इसको बिठाएंगे और फिर अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे गासिर भी बहुत अच्छी अरेंज की थी उन्होंने जैसे कि हमारे पास है ना आ, बिल्कुल वैसी ही थी बस कलर चेंज था तो अच्छी थी काफ़ी सॉफ्ट थी कंफर्टेबल थी और यहाँ पर बच्चे बैठ चुके हैं राफे को भी बैठा दिया है अब फाइनली मैं बैठने लगी हूँ बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सफ़र तो इतना ज़्यादा नहीं था चार घंटे की फ्लाइट थी लेकिन बच्चों के साथ सफ़र करना ना कोई छोटी बात नहीं है बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं कि आपका जहनी सुकून बर्बाद कर देते हैं और मेरे बच्चे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा शरारती हैं यहाँ पर फाइनली हम लोग मैं बैठ गई थी और जवाद उनको खुदाफिस कह रहे थे बस जवाद का ही वेट हो रहा है और यहाँ से हमने आगे छः घंटे की ड्राइव पर जाना है ये हम लोग जहाँ पर रुके हैं इस सिटी का नाम तबलीसी है और हमने दूसरी सिटी जाना है और उसका नाम मैं भूल चुकी हूँ उस वक्त मुझे याद था और ये वॉइस ओवर करते हुए मैं भूल गई वैसे इधर ही स्टे कर लेना चाहिए था किसी होटल में जितने ज़्यादा हम लोग थके हुए हैं और बच्चे भी नींद से उनका बुरा हाल हुआ हुआ था ये आज स्कूल भी गए थे वली मूसा सुबह छः बजे के उठे हुए थे और नौ बजे मैं इनको सुला देती हूँ और यहाँ पर मेरे यहाँ से साढ़े ग्यारह बारह बजे का टाइम था बच्चों की नींद से बुरी हालत हुई थी लेकिन हम लोग ने जब आदमी बुकिंग करवाई हुई थी तो उधर ही जाना था रास्ते में हम लोग किसी शॉप पे रुके प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई थी मुझे भी बच्चों को भी और स्नैक्स वगैरह लेने थे आ, क्योंकि आगे छः घंटे के मजीद ड्राइव है तो भूख भी लग रही थी फ्लाइट में खाना खुना कोई नहीं दिया उन्होंने कोल्ड ड्रिंक लिए थे और मुझे चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी लेकिन चाय कोई नहीं मिली कॉफ़ी मिली थी चलो कॉफ़ी से गुज़ारा कर लेते हैं मुझे वैसे इतनी ज़्यादा नहीं पसंद चाय लवर हूँ मैं लेकिन अभी फ़िलहाल कॉफ़ी से भी आ, काम चल जाएगा <laughs> इतनी ज़्यादा थकावट हुई थी और ये स्नैक्स वगैरह लिए थे मैं अपना फ़ेस वॉश लाना भूल गई थी इतनी जल्दी जल्दी मैं पैकिंग की थी और थोड़ी सी वीडियो भी बनाई थी आ, पैकिंग की तो बिल्कुल जहन से निकल गया क्योंकि मैंने अपनी टॉयलेटरी बिल्कुल नहीं रखी थी मुझे यही था जहन में कि होटल वगैरह में सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा लेकिन फेस वॉश वो हरगेज प्रोवाइड नहीं करते सोप रखा होता है मैंने जो हाथ से कहा कि रास्ते में जो भी सुपरमार्केट आ रही है प्लीज़ वहाँ पर रुक के मुझे फ़ेस वॉश लेना है बहुत ज़रूरी है मैं सोप से हरगेज फेस नहीं वॉश करूँगी तो बस इधर हम सुपरमार्केट में ही रुके थे मुझे जोहाद ने बोला कि तुम हु जा कर देख लो कौन सा लेना है तो बस ये हम इस सुपरमार्केट के अंदर जा रहे हैं और ये कार को काफ़ी फ्लावर के साथ डेकोरेट किया हुआ था बहुत क्यूट लगी मुझे कार यहाँ पर मैंने बच्चों की पिक्स वगैरह ली बस ये इस सुपरमार्केट के अंदर हमने जाना है और अंदर फूड कोर्ट भी बना हुआ था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था भूख तो बहुत लगी हुई थी लेकिन यहाँ पर आप कुछ भी नहीं खा सकते क्योंकि कुछ भी हलाल नहीं है ना बर्गर खा सकते हैं ना कुछ और खा सकते हैं सिर्फ स्नैक्स ही हैं उसी से बस पेट पूजा करें यहाँ पर आके हम दोनों का वेट भी काफ़ी लूज हो गया था मैंने सारा चेक कर लिया था छोटी सी सुपरमार्केट थी फेस वॉश यहाँ पर था ही नहीं शैम्पू वग़ैरह पड़े हुए थे तो बच्चों ने दूसरी चीज़ें ले ली बिस्किट वगैरह पानी वगैरह चाहिए था टिशू इस तरह की चीज़ें वाइप्स चाहिए थे लेकिन फेस वॉश यहाँ से नहीं मिला फिर हम लोग बाहर आ गए थे और मैंने जो से कहा कि किसी और में भी चेक करना है किसी और सुपरमार्केट से भी चेक करें फेस वॉश लेना है हर चीज़ रख ली लेकिन ये कि बहुत सडन ट्रिप था तो इस वजह से ये मैं भूल गई रखना बस ये वापस अब हम गाड़ी में बैठ रहे हैं वली सो चुका है और मूसा बस मेरे साथ अंदर गया था और यहाँ पर बाहर इतनी ज़्यादा ठंड थी बच्चों की जैकेट तो मैंने बैग वगैरह में रखी हुई थी बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी मूसा को और मुझे भी यहाँ पर हम दूसरी सुपरमार्केट में रुके हैं और इधर जवाद ही अंदर देखने गए थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ से भी फेस वॉश नहीं मिला हैंड वॉश मिला जब को ऑर्गेनिक कोई हैंड वॉश था तो जब आज वो रे आई कि चलो इसके साथ मुँह धो लेना अगले दिन देखते हैं बस जी फिर हम लोग अपने होटल की तरफ रवाना हो गए हम दूसरी सिटी पहुँच चुके थे जहाँ पर हमारा होटल था फाइनली फाइनली हम लोग अपने होटल पहुंच चुके थे सुख का सांस आया था नींद से बुरी हालत हुई थी भूख का चलो फिर भी थोड़ा बहुत आसरा हो गया था स्नैक्स वगैरह खा के लेकिन नींद से बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही थी बच्चों की भी और मेरी भी हम लोग होटल सुबह पाँच साढ़े पाँच बजे का टाइम था लेकिन अभी रोशनी नहीं हुई थी अंधेरा ही था पूरी रात हमारी गाड़ी में ही गुजरी थी बच्चे तो सो गए थे लेकिन जवाब तो बिल्कुल नहीं सो सकते थे क्योंकि उन्होंने ड्राइव करनी थी मैं भी बीच में का सो गई थी तीन चार घंटे लेकिन थकावट काफ़ी हुई है मैं राफ़ी को लेकर यहाँ पर बैठ गई थी बस अब हम चेक इन करेंगे हमने पूरा स्वीट बुक किया हुआ था क्योंकि बच्चे भी हैं और एक बेड में आना मुश्किल है टू बेडरूम थे और बाकी हॉल और किचन वगैरह चले जी आपको भी दिखाते हैं साथ ही देखते हैं अंदर एंटर होते ही सबसे पहले वॉशरूम है अभी पहले जवाब देख रहे हैं मैं अभी दिखाती हूँ आपको ये देखें जी वॉशरूम मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये है मिरर और काफ़ी का भी उठाया हुआ है क्योंकि स्टॉलर में सामान रखा हुआ है और एक ये बेडरूम था और यहाँ से अंदर एंटर होते ही ये हॉल है और उसकी दूसरी साइड पे किचन बना हुआ है बच्चे मुझे मुसा मुझे साथ साथ गाइड कर रहे थे मम्मा ये किचन है ये हॉल है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे उनको लग रहा था कि हम नए घर में आ गए हैं ये किचन है और किचन में हर चीज़ प्रोवाइड थी सारे बर्तन दिए गए थे फ्रिज भी थी माइक्रोवेव भी था कैटल तो वैसे ही हर होटल में होती है और ये हीटर लगा हुआ था डाइनिंग टेबल भी है और ये एक दूसरा रूम है ये बच्चों का रूम है और मास्टर बेडरूम दूसरी तरफ है वो भी मैं अब दिखाती हूँ आपको बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे और ये वॉड्रोब है यहाँ पर हमने सिर्फ दो दिन स्टे करना है और ये विंडो है रूम भी काफ़ी बड़े थे यहाँ पर मैंने राफे को लटा दिया था क्योंकि वो सो गया था मैंने सोचा इसको लटा देते हैं और फ्री हैंड होकर किचन को चेक करते हैं चले जी आए किचन को देखते हैं क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं कॉफी का बनाने के लिए रखा हुआ ये और चाय भी बना सकते हैं कैटल भी है पानी भी गर्म कर सकते हैं फीडर वगैरह के लिए ऊपर ग्लास बर्तन कप वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है और फ्रिज भी बड़े साइज़ की थी ज़्यादातर होटल वगैरह में छोटी फ्रिज रखी होती है और और विंडोज़ काफ़ी ज़्यादा दी हुई थी हॉल में भी किचन में भी रूम वगैरह में भी और ये हमारी कार है वो हमारी कार है और घर के अंदर इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी कांप रहे थे बच्चे भी और मैं भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी बस मैंने सोचा जल्दी से ये घर की वीडियो बना लेती हूँ फिर बैग वगैरह खोल के बच्चों के कपड़े चेंज करवाती हूँ मोटे कपड़े पहनाती हूँ इनको ये है मास्टर बेडरूम ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा था और इधर सोफ़ा भी रखा हुआ था और टेरेस भी है यहाँ पर टेरेस का व्यू सुबह देंगे आपको टीवी भी रखा हुआ है रूम में और एक टीवी हॉल में भी है अब ड्रॉप चेक कर लेते हैं और हैंगर्स इन्होंने इस तरह से किए हुए थे कि इनको आप उतार नहीं सकते बाहर नहीं निकाल सकते बाहर रोशनी होना शुरू हो गई है और टेरेस पे भी टेबल और चेयर रखी हुई है इस तरह से बस अब मैंने यहाँ से जूती लेनी थी अपने जोगा से उतारती हूँ और यहाँ पर मैंने क्या देखा कि यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन भी दी हुई है लेकिन मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई इसको देखकर मैंने बिल्कुल भी मशीन नहीं लगानी यहाँ पर घर में हर रोज़ मशीन लगती है और मशीन लगाने से मुझे सख्त नफ़रत है यहाँ पर तो मैंने बिल्कुल भी कपड़े नहीं धोने घर ही ले कर उधर ही धोएंगे बस यहाँ से मैं जूती लेने आई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी फ्लोर बहुत ठंडा था बच्चों की नींद उड़ चुकी थी उनको सोना अब भुला हुआ था एक चीज बस मुझे बुरी लगी कि दूसरा रूम काफी दूर है बच्चों का रूम जो है अब पता नहीं ये अकेले सोते हैं वहां पर कि नहीं यहाँ पर मैं अपने जोरियों से उतार रही हूं बहुत ज्यादा पांव थक गए थे सुकून हो गया और जवाब नीचे सामान लेने गए थे आ, बस स्टॉलर में बेबी बैग और छोटा तो मोटा तो सामान रखा हुआ था स्टॉलर में आ, बड़े बैग अभी जवाद नीचे लेने गए हैं और ये हीटर मुझे नज़र आया है लेकिन ये पता नहीं ऑन कहाँ से होना है बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी रूम में ये मैं विंडो से जवाद को देख रही थी लेकिन अभी वो नीचे ही थे मैं बैग वग़ैरह का ही वेट कर रही थी क्योंकि बच्चों को भी चेंज करवाना था मोटे कपड़े पहनाने थे और मैंने भी शॉल वगैरह लेनी थी उतनी देर मैंने ये बास्केट में स्नैक्स वग़ैरह सब सेट कर दिए थे और ये कोल्ड ड्रिंक और लबन वग़ैरह ये सारा इस तरह से लगा दिया था और फ्रिज में नहीं रखा था क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी ऐसे ही ठीक था और मिलते हैं हम जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में टील दै एंड चेक केयर आफेज